हेलो फ्रेंड्स, टूर लवर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम राम मंदिर के गेस्ट हाउस में रुके हैं और ये हमारे साथी बीएस काला जी। हेलो, कैसे हो दोस्तों? ये हमारा कमरा है जो बिखरा पड़ा है, अभी इसको समेटते हैं और इसके बाद हम मणिकरण साहिब के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, इस गेस्ट हाउस में रुके थे, यहाँ की सुविधा काफ़ी अच्छी है और साफ सफाई के मामले में भी बेहद खूबसूरत जगह है, होटलों से बेटर है ये। अब हम निकल चलते हैं मणिकरण के लिए, तो चलें। फ्रेंड्स, ये मणिकरण साहिब गुरुद्वारे का मुख्य द्वार है, पास में ही पार्वती नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस जगह को और भी दिलकश बना देते हैं। यह जो स्थान है, यहां संत बाबा नारायण हरि जी ने तप किया था। इस जगह के सामने ही इनके नाम से बना ये गुरुद्वारा है। यहाँ प्रबंधक कमेटी की तरफ से यात्रियों के लिए पार्किंग, आवास और खाना बिल्कुल फ्री रखा गया है। दोस्तों, ये जो सामने आप कुंड देख रहे हो, ये बाबा संत नारायण हरि जी की याद में बनाया गया है। इस कुंड का नाम संत सरोवर है। इसके अलावा मेन गुरुद्वारे के अंदर भी सरोवर साहिब है। दोनों ही कुंड गर्म पानी के हैं, जो लोगों के लिए ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं है। ये मणिकरण साहिब का मुख्य गुरुद्वारा है। दूर दूर से सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी हुई हर दुआ कबूल होती है। इसी कारण यहाँ हर धर्म के अवतारों और महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं। दोस्तों, इसमें खास बात ये है कि इसमें स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर को भी शामिल किया गया है। इस पवित्र स्थान पर एक गर्म गुफा भी है, जो इस ठंडे इलाके में भी गर्मी का एहसास दिलाती है। यहाँ की दीवारें और फर्श हमेशा ही गर्म रहते हैं। गुफा की दीवारों पर कुछ लोग बेमतलब की बातें, फोन नंबर और अपना नाम लिख जाते हैं, जो कि एक अशोभनीय कार्य है। टूर लवर टीम आपसे निवेदन करती है कि इस गुफा की पवित्रता को बनाए रखें। अब हम आपको शिव मंदिर लेकर चलते हैं। यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती ने 11,000 साल तप किया था। लोगों का मानना है कि
ये भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान था। यहाँ दो पवित्र गर्म कुंड है जिसमें पर्यटक खुद ही मंदिर में चढ़ाने के लिए गर्म पानी में प्रसाद तैयार करते हैं। दोस्तों, ये यहाँ का बाजार है। यहाँ का बाजार पर्यटकों पर निर्भर है। बाजार के बीच छोटे छोटे अनेक मंदिर हैं। यहाँ पर रहने के लिए होटल भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ये प्राचीन रघुनाथ मंदिर है। इस मंदिर के बाहर भी एक प्राचीन गर्म कुंड है। यह जो आप मंदिर देख रहे हो, ये नैना देवी मंदिर है। शास्त्रों के अनुसार माता नैना देवी जी का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। ये मंदिर के सामने पार्वती नदी का व्यू है। फ्रेंड्स, यहाँ खाना खाने के लिए अनेक होटल भी हैं। यह श्री राम मंदिर के सामने रथ मौजूद है जो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बनाया गया है। आइए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं श्री राम मंदिर में। राम मंदिर के अंदर मणिकरण महादेव जी का मंदिर भी है। इस वक्त हम राम मंदिर पर खड़े हैं और खूबसूरत मंदिर अपनी कलाकृति बिखेरते हुए यहाँ पे हम थोड़ी बातचीत करते हैं। सर, इस मंदिर का इतिहास क्या है? ये मंदिर पांडवों के समय 16th सेंचुरी में बना था। तो उस समय यहाँ पर एक राजा थे जगत सिंह नाम के। तो उन्हें एक ब्राह्मण ने बोला था कि यहाँ पर राम जी की पूजा वगैरह करें। तो ये मूर्तियाँ अयोध्या से लाई गई थी सारी। तो तब से लेकर वही प्रथा यहाँ पर चली हुई। मंदिर के गेट के सामने ही ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री राम गेस्ट हाउस का ऑफिस है, जहां से आप सस्ती दरों पर रूम ले सकते हैं। इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मुख्य गुरुद्वारे में लंगर चलता रहता है। इस लंगर के पीछे का इतिहास बेहद रोचक है। जब श्री गुरु नानक देव जी यहाँ बाला मर्दाना के साथ आए,
तो मर्दाने ने गुरुजी से कहा कि हमारे पास राशन तो है मगर पकाने के लिए आग की व्यवस्था नहीं। तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से कहा कि यहाँ से पत्थर हटाओ। जब पत्थर मर्दाने ने हटाया तो उस जगह उबलते पानी का गर्म कुंड निकला, जो आज तक भी मौजूद है, जहाँ चावल पकाए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।